नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। ये है पार्ट 77। ठीक है, ख़त्म नहीं वाले। इसके बाद तीन पार्ट और बनेंगे, 78, 79 और 80। तो पार्ट 80 में अपने पूरे सिनोनिम्स हो जाएंगे ख़त्म। 81 से हम एंटोनिम्स स्टार्ट कर देंगे। तो आज का पहला वर्ड है विवीपेरस। विवीपेरस मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, तो ब्रिंगिंग फोर्थ लाइव यंग दैट हैव डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट। तो लाइफ बियरिंग मैमलियन ओवो विवीपेरस। ठीक है, गिविंग बर्थ लाइफ बर्थ विवीपेरल विवीपेरसनेस लाइफ बियरिंग। तो ये रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करो। विवीपेरसली तो ये सिमिलर ही हैं। ठीक है, ओवोविपैरिटी और विवीपेरिटी। वॉसिफेरेंट का मतलब होता है, हमने देखा था वॉसिफोरस। ठीक है, 1511 पे देखा था हमने वॉसिफोरस। तो वही है ये वॉसिफेरेंट, मेकिंग लाउड आउटक्राई क्लैमर। ठीक है, कोलाहलपूर्ण। तो क्लैमरस लाउड नॉइजी अप्रोरियस बॉइस्टरस वॉसिफोरस। तो जो की है रैकस टुमल्टुअस ऑब्स्ट्रीपेरस स्ट्राइडेंट और ब्लेरिंग। विहीमेंस, हमने विहीमेंट देखा था 1504 पे। ठीक है, तो विहीमेंस डिस्प्ले ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैशन। तो पैशन इंटेंसिटी फर्वर फर्वेंसी आर्डर जील एंड जेस्ट एंथुसियाज्म ईगरनेस विहीमेंसी फायर फर्विडनेस विहीमेंसी। ठीक है, वल्चुरस का मतलब होता है शोषक और ग्रीडी। ठीक है, रिजेंबलिंग और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वल्चर, जैसे हमने म्यूलिश देखा था वही है रेपाशियस, जो कि ग्रीडी हो। तो रेपाशियस प्रेडेटरी, रेवनस वोराशियस एवारीशियस ग्रेस्पिंग। ठीक है, एक्विजिटिव इनसेटिएबल अनअपीजेबल और वल्चराइन ग्रीडी। तो अपने वी लेटर के वर्ड के सिनोनिम्स खत्म हो गए हैं, अब चलते हैं डब्लू पे। तो व्राय का मतलब होता है मॉकिंग मजाक बनाना। एक दूसरा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड इन हेड भी हो सकता है, जिसे क्रेजी भी कह सकते हैं। और डिस्टॉर्टेड हैविंग अ वेरी लो और डोंट हैव एनी फोकस। तो तीनों सेंस में देख लो। ठीक है, यूजिंग और एक्सप्रेसिंग ड्राई स्पेशली मॉकिंग और ह्यूमर आयरनिक सैडोनिक सटायरिकल मॉकिंग सरकास्टिक ड्राई कॉस्टिक मॉडर्न ड्रोल वैगिश पकिश ट्विस्टेड और डिस्टॉर्टेड। वंडरस का मतलब होता है अद्भुत, जैसे वंडरफुल बोलते हैं ना, तो ये वही है। कॉजिंग वंडर और अमेजमेंट मार्वलस। तो मार्वलस अमेजिंग एस्टोनिशिंग इनक्रेडिबल मिरेकल है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी से भी क्या है वो ऊपर है, तभी कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैंटास्टिक एस्टाउंडिंग ऑफ इंस्पायरिंग ब्रेथ टेकिंग प्रोडिजियस रिमार्केबल। विदर का मतलब होता है सूखना टू श्रिवल और फेड या डिके। तो श्रिवल विल्ट फेड ड्रूप डिके डिटेरियोरेट लैंग्विश पेरिश डिक्लाइन डीजनरेट एट्रॉफी और विल्ट। विल्ट तो इसको ठीक है, विमेन फैंसी बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं इनको विमेन फैंसी, मतलब मनमानी। ठीक है, अ सडन और कैप्रीशियस आइडिया अ फैंसी। तो फैंसी नोशन इम्पल्स अर्ज इंक्लिनेशन डिजायर विम्सी कैप्राइस वैगरी क्वॉक आइडोसिंक्रेसी और इसेंट्रिसिटी। ठीक है, विम मतलब होता है मनमानी, कहते हैं आपकी विम और फैंसी यहाँ पर नहीं चलेंगी। ठीक है, तो वही है उसके कॉन्टेक्स्ट में। वियर्ड ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, अजीब। ठीक है, तो सजेस्टिंग समथिंग सुपर नेचुरल अनअर्थली
तो इसको थोड़ा एग्जैजरेट कर रखा है इसकी डेफिनेशन को। सिंपल फॉर्म में लिखो इसका अजीब, ठीक है, वियर्ड, एरी, स्ट्रेंज, अनकैनी, मिस्टीरियस, सुपर नेचुरल, अदर वर्ल्डली, घोस्टली, मिस्टिकल, बिजार, ऑड, पिकुलियर, कोर, ठीक है। वॉबली का मतलब होता है अनस्टेडी, वॉबल मतलब शेक करना, ठीक है, इनसिक्योर भी हो सकता है, कपकपी भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ट्रे में कोई कांच का ग्लास लेके जाते तो कहते हैं कि द ग्लास इज़ वॉबलिंग, ठीक है, जो कांच का ग्लास है वो हिल रहा है। तो अनस्टेडी, शेकी, टेंडिंग टू वॉबल, शेकी, अनस्टेडी, अनस्टेबल, टॉटरिंग, इनसिक्योर, रिकेटी, टीटरिंग, कोवरिंग, ट्रिमुलस, ट्रेम्बली, कोवरी और शुडरिंग, ठीक है। विथस्टैंड का मतलब होता है सामना करना, स्टैंड फर्म, ब्रेव होना, किसी चीज़ को अपोज करना, ठीक है, उस सेंस में ये। तो टू रजिस्ट और इंड्योर सक्सेसफुली, टू स्टैंड और होल्ड आउट अगेंस्ट, ठीक है। तो रजिस्ट, इंड्योर, होल्ड आउट, अपोज, स्टैंड अप टू समथिंग विच इज़ नॉट राइट टू यू, ठीक है। बेयर, ब्रेव, कन्फ्रंट, फेस, तो सस्टेन, टॉलरेट, वेदर और स्टैंड फर्म, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स हैं, आगे चलते हैं। व्रीगल का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर मूव क्विकली टू डॉज, हमने वर्ड देखा था मैन्यूवर, तो टू ट्विस्ट एंड टर्न विद अ क्विक विदरिंग मूवमेंट, ठीक है। तो लड़खड़ाना भी है इसका, ट्विस्ट, स्क्वॉम, फ्रिथ, विगल, ट्विच, फिजिट, जर्क, फ्लाउंडर, स्लिदर, स्नेक, वर्म, शिमी, डॉज और इवेड, ठीक है। व्रेस्ट, WRETCHED, दुखी, वेरी अनहैप्पी, मिजरेबल पर्सन, पुअर इन क्वालिटी और एबिलिटी, मिजरेबल, अनहैप्पी, फॉरलॉन, डिसोलेट, पिटीफुल, पथेटिक, डेप्लोरेबल, सॉरी, एब्जेक्ट, पिटिएबल, डिस्ट्रेसिंग, ठीक है, वूफुल। नेक्स्ट वर्ड है अपना वेरी, इसका मतलब होता है सतर्क, एक पर्सपेक्टिव है सतर्क, ठीक है, कॉशन रहना, केयरफुल रहना। दूसरा है मिसट्रस्टफुल, सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं है तो वो प्रिपेयर रहता है मेंटली, ठीक है। तो ऑब्जर्वेंट, ऑन गार्ड, ऑलवेज गार्ड्स अप, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म अप रहता है, तो इसको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। तो कॉशियस, केयरफुल, विजिलेंट, सर्कमस्पेक्ट, वॉचफुल, अलर्ट, प्रूडेंट, सस्पिशियस, गार्डेड, माइंडफुल, एप्रीहेंसिव, लीरी, ऑन वंस गार्ड। वेन का मतलब होता है कम होना, ठीक है, WANE है ये, ठीक है। तो कोई चीज़ कम होना, टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, टू डिक्लाइन इन पावर और इम्पोर्टेंस, डिक्रीज, डिमिनिश, डिक्लाइन, ड्विंडल, एब, फेड, लेसन, सबसाइड, वीकन, अबेट, रिसीड, ठीक है। रिंकल का मतलब होता है क्रीज पड़ना, ठीक है, रिंकल, झुर्रियाँ जैसे कहते हैं, शिकन, तो शिकन भी होती है, जैसे अगर किसी को डर लग रहा है तो क्या आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं, उसमें फिर माथे पे रिंकल्स पड़ जाते हैं। अ स्मॉल लाइन और फोल्ड इन समथिंग, स्पेशली फैब्रिक, द स्किन, टू मेक स्मॉल फोल्ड्स और लाइन इन समथिंग, तो ये क्रीज लगाने को बोला है बेसिकली, तो शिकन की लाइन पे, ठीक है। तो क्रीज, फोल्ड, लाइन, फ्रो, क्रिंकल, रफल, पकर, कॉरुगेट, रंपल, क्रिम्प, कॉकले, रिपल, ठीक है। व्रेंच का मतलब होता है जोर से मोड़ना विद फोर्स, अ सडन वायलेंट ट्विस्ट और पुल, टू ट्विस्ट पुल वायलेंटली, ट्विस्ट पुल, टेयर, यैंक, टग, जैसे टग ओवर होता है, स्ट्रेन, रेस्ट, कंटॉर्ट, डिस्टॉर्ट, रैप, टॉक और रिप, ठीक है। रैकेज का मतलब होता है
टुकड़े टुकड़े बचना, ठीक है, रिमेन्स ऑफ समथिंग, ठीक है, दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज और डिस्ट्रॉयड, डेब्री जिसे कहते हैं, रूइंस, ठीक है, जैसे सपोज ये कोई बिल्डिंग है, आपको हिस्ट्री से एग्जांपल देता हूँ, ये टेंपल है, ठीक है, तो मुगल्स आए तो टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो बचा वो क्या था, रूइंस, तो रिमेन्स, डेट्रिटस, रबल, डिमोलिशन, फ्रैगमेंट्स, शैम्बल्स, रैक, फ्लॉटसम, जेटसम, स्मैशिंग लाइक अ हल्क। व्रैंगल का मतलब होता है टू आर्ग्यू, झगड़ा करना, डिस्प्यूट एंग्रीली नॉइजीली, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से, अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट, आर्ग्यू, क्वारल, डिस्प्यूट, बिकर, स्क्वाबल, फाइट्स, क्लैश, स्पैट, कंटेंट, फ्यूड, ब्रॉल। वूफुल अभी जस्ट देखा हमने, सिनोनिम्स का पार्ट था, दुखदायक, कैरेक्टराइज बाय, एक्सप्रेसिव ऑफ और कॉजिंग सोरो, मिजरी, वेरी बैड और सीरियस, सोरोफुल, मिजरेबल, अनहैप्पी, डिस्ट्रेसफुल या डिस्ट्रेसिंग, पिटीफुल, डेप्लोरेबल, लेमेंटेबल, ग्रीवियस, तो ग्रीव करते हैं हम, डिसमल, डायरफुल, तो DIREFUL, डोलफुल। ठीक है, तो ये थे आज के 20 वर्ड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।